कन्वेंशनली जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनमें हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया है। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, बट वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी कन्वेंशनली एक डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए, रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना किसी इंडिविजुअल के द्वारा। कोई भी इंडिविजुअल जब अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब जो इंडिविजुअल बना है या प्रोड्यूस हुआ है वो मोर और लेस सिमिलर हो सकता है अपने पेरेंट से, ठीक है। तो पेरेंट से प्रोजीनी का बनना, पेरेंट से प्रोजीनी का बनना, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो प्रोजीनी होती है मोर सिमिलर या लेस सिमिलर टू पेरेंट होती है, मोर सिमिलर या लेस सिमिलर, यानी जो प्रोजीनी बनती है अपने पेरेंट से, या तो वो ज्यादा सिमिलर होती है यानी ज्यादा मैच करती है, या कम मैच करती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन के टाइप पर। देखिए, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो व्यू रहता है या हम जो सोचते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं जनरली, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है हम जैसे एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, यानी ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रोजीनी पेरेंट से ज़्यादा सिमिलर होती है या लेस सिमिलर होती है, ये डिपेंड करता है कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे आप देखेंगे सीलेंट्रेट्स हैं, जैसे हाइड्रा है या फंजाई है, फंजाई लोअर प्लांट्स ग्रुप में आते हैं। फंजाई को हालांकि अब अलग किंगडम कंसिडर किया जाता है, प्लांट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो फंजाई हो गया, सीलेंट्रेट्स हो गए, जैसे हाइड्रा हो गया, फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट, हाइड्रा सीलेंट्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया एक जो है प्लैटीहेलमिंथ है, फ्लैट वर्म है, आपने लीवर फ्लूक का नाम सुना होगा, टेप वर्म का नाम सुना होगा। ऐसे प्लेनेरिया भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज से बिलोंग करता है प्लेनेरिया, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। तो जब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजीनी होती है वो एकदम पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है, एक तरह से आप क्लोन कह सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजीनी इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, यानी मोर सिमिलर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजीनी जो है वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, यानी इनमें पेरेंट और प्रोजीनी में ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी प्रोजीनी कहिए, ऑफस्प्रिंग कहिए, बच्चा कहिए, पेरेंट से जो प्रोड्यूस होता है उसको बच्चा कहा जाता है, या प्रोजीनी कहिए, ऑफस्प्रिंग कहिए, प्रोजीनी इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, ये तो स्पष्ट है, ये तो क्लियर है। अब देखिए, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कई तरीके से होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें यूनियन नहीं होता गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, आपको मालूम है स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, गैमीट बनता ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है और उससे प्रोजिनी बन जाती है, ठीक है, या बॉडी का पार्ट से कोई प्रोजिनी बन जाती है, ठीक है। तो मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरीके से होता है, इसमें एक तरीका होता है एसेक्सुअल स्पोर बना करके। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो फंजाई होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पोर बना करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और आसानी से दूर दूर फैल जाते हैं, तो डिस्पर्सल फंजाई का होना और उनकी संख्या बढ़ना वो एसेक्सुअल स्पोर के जरिए होता है, ठीक है। तो एक फंजाई मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं, सोचिए कितनी तादाद, कितनी संख्या में बना, मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल, फंजाई खुद चल के नहीं जा सकता एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन स्पोर जो है वो हल्के होते हैं, हवा द्वारा उड़ करके वो दूर दूर तक चले जाते हैं, तो डिस्पर्सल में भी स्पोर हेल्प करता है फंजाई में, तो मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं, ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल, ऑल्सो रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी मदद करते हैं, हेल्प्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल, डिस्पर्सल। तो फंजाई जो है वो एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं और इन एसेक्सुअल स्पोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में होते हैं, और ये फंजाई के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल मतलब फैलाव में भी हेल्प करते हैं, स्प्रेडिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया फंजाई, फंजाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से होता है। दूसरा जो मेंशन किया गया है रिप्रोडक्शन में वो है बडिंग, बडिंग जो है वो देखा जाता है हाइड्रा में, ईस्ट में, हाइड्रा में देखा जाता है और ईस्ट में, ईस्ट भी एक तरह का फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट, तो ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, इसमें बडिंग देखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ हमने ईस्ट लिखा है, तो ईस्ट इज नॉट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये भी फंजाई जैसे बिलोंग करता है, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन अकेला ऐसा फंजाई जो यूनिसेलुलर है वो है ईस्ट, ठीक है। और हाइड्रा जो है वो एनिमल है, वो सिलेंट्रिक है, तो ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। और हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रिक, सिलेंट्रिक फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे और फाइलम स्टडी करेंगे तो उसमें सिलेंट्रेटा फाइलम आएगा, तो उससे बिलोंग करता है। तो हाइड्रा जो है इज एन एनिमल और मल्टीसेलुलर। तो बडिंग के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि तीसरा जो तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है रीजनरेशन के द्वारा। अब रीजनरेशन क्या है इसको समझाते हैं, रीजनरेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि कोई एनिमल जब दो हिस्से में टूट जाता है, प्लेनेरिया की यहाँ पर एग्जांपल की बात करेंगे हम, प्लेनेरिया है एज एग्जांपल लेंगे कि प्लेनेरिया को अगर आप दो या तीन हिस्से में काट दें, तीन टुकड़े में काट दें, तो हर टुकड़ा अपना लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेगा, जो हिस्सा उसका गायब है वो उसको केवल उस हिस्से को बना लेगा और एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इसको हम रीजनरेशन भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, यानी रीजनरेशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो जा रहा है। तो और इसमें भी गैमिट नहीं बन रहे, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही, तो रीजनरेशन खासकर देखा जाता है ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है, और ये देखा जाता है प्लेनेरिया में, देखा जाता है किसमें देखा जाता है प्लेनेरिया। तो रीजनरेशन का एग्जांपल हो जाएगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक एनिमल है, ये फाइलम प्लैटिहेलमिन्थीस से बिलोंग करता है, ठीक है, आगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो ये फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म, और इसमें होता क्या है प्लेनेरिया में, ऐसे समझिए ये प्लेनेरिया है, ठीक है, फ्लैट वर्म है, और इसको मान लीजिए इसकी बॉडी को बीच से काट दिए,
ठीक है। तो अब इसके बॉडी के ये दो हिस्से बन गए, इसके बॉडी के ये दो हिस्से बन गए, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले लॉस्ट पार्ट को रिजनरेट कर लेगा, इतना हिस्सा ये बांध लेगा, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले लॉस्ट पार्ट को रिजनरेट कर लेगा ऐसे। तो आप देखेंगे टू प्लेनेरिया बन गए, तो यानी वन इंडिविजुअल से कितने इंडिविजुअल बन गए, टू इंडिविजुअल बन गए, दो इंडिविजुअल बन गए। तो इस तरह से प्लेनेरिया में रिजनरेशन होता है। प्लेनेरिया को अगर कई टुकड़े में काट दिया जाए, कई फ्रेगमेंट्स में काट दिया जाए, तो उसके हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तो इसको रीजनरेशन भी कह सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में। इसके बाद फिर एक एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी वही कई टुकड़े में टूट जाए और हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, लेकिन वो रीजनरेशन नहीं होगा। प्लेनेरिया में भी बॉडी फ्रेगमेंट में टूट रहा है, लेकिन यहां पर ट्रू रिजनरेशन शब्द आया है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जैसे मॉस का प्रोटोनिमा है, फंजाई है और मल्टीसेलर एल्गी है, ठीक है ना, इनमें अगर एल्गी का कोई फिलामेंट है उसको कई टुकड़े में तोड़ दीजिए, फंजाई का भी फिलामेंट है उसको कई टुकड़े में तोड़ दीजिए, फंजाई का हाइफा होता है, फंजाई का जो फिलामेंट होता है उसको हाइफा बोलते हैं, उसको कई टुकड़े में तोड़ दीजिए, तो उसे हर टुकड़े से वो फिर वो ग्रो करके बड़ा करने लगे, बड़ा होने लगेगा। एक टुकड़ा अगर फंजाई का है उसको चार टुकड़े में टूट दीजिए तो चार अलग अलग फंगल हाइफा डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो जो तीसरा तरीका होता है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तीसरा तरीका होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी आप देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीसेलुलर एल्गी में होता है, प्रोटोनिमा ऑफ मास में होगा, और आप कहेंगे फंजाई में भी होगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल ले देता हूँ, इसका एग्जांपल में फंजाई हो गया, मल्टीसेलुलर एल्गी हो गया, मल्टीसेलुलर एल्गी हो गया, ठीक है, और प्रोटोनिमा ऑफ मास, प्रोटोनिमा ऑफ मास। तो ये ज्यादातर ये जो पोर्शन है जो अभी आज आपने अभी जो ये चीज पढ़ा है इसमें ये बताया जा रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है। जब भी हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखा रहा है तो मतलब वो दिमाग में रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वो दिखाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं तो कौन कौन से तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं? तो एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है फंजाई, बडिंग के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है हाइड्रोलिस्ट, लेकिन इसके यहाँ ध्यान रखिएगा ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा मल्टीसेलुलर एनिमल है, ठीक। रीजनरेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये ट्रू रीजनरेशन है, देखा रहता है प्लेनेरिया में जिसमें एक इंडिविजुअल जब दो टुकड़े में कट जाता है तो जो लास्ट पार्ट है वो रिजनरेट कर जाता है, तो इसलिए ये सेक्सुअल प्रोडक्शन भी हुआ और ये रिजनरेशन भी हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है तो याद रखेंगे फ्रेगमेंटेशन जो होता है जो फ्रेगमेंटेशन होता है फ्रेगमेंटेशन में जो प्लांट बॉडी है या एल्गी की बॉडी है या फंजाई की बॉडी है या मास का प्रोटीन में प्रोटीनमा फिलामेंट जैसा होता है, तो उसकी जो बॉडी है वो कई टुकड़े में टूट जाती है। जैसे इसको मान लीजिए ये फंजाई है, ठीक है, ये एल्गी है, ये फंगल हाइफा हम मान सकते हैं या मल्टीसेलुलर एल्गी का फिलामेंट मान सकते हैं या मास का प्रोटीनमा मान सकते हैं। तो ये जब कई टुकड़ों में टूटेगा ठीक है, तो इसके हर टुकड़े ये हर टुकड़ा जो है ये फिर ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। और ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर इसके 10 टुकड़े बनेंगे तो 10 एल्गी नए तैयार हो जाएंगे, क्लियर हो गया। लेकिन इसको हम रीजनरेशन नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो फंजाई, मल्टीसेलुलर एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मास, इसमें भी फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन रहा है,
प्लेनेरिया में भी फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन रहा है, लेकिन प्लेनेरिया में जो फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन रहा है वो ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल है, जबकि फंजाई मल्टीसेलुलरली और मास का प्रोटोनिमा है, प्रोटोनिमा ऑफ मास, ये ए है प्रोटोनिमा ऑफ मास, इनमें जो फिलामेंट है उसके फ्रेगमेंट यानी जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, जो टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो टुकड़े हैं इनको फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो इनसे जो फ्रेगमेंट्स नया इंडिविजुअल बनते हैं उसको रीजनरेशन नहीं कहेंगे। अब देखिए जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वहां पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में बहुत क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर हम ग्रोथ टर्म यूज करें या रिप्रोडक्शन टर्म यूज करें वो दोनों ही सेम हो जाएगा। जैसे देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये सिनोनिमस है, रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, मतलब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है अमीबा, ठीक है, या इसमें कोई यूनिसेलुलर एल्गी अस्यूम कर लीजिए, यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में सोच लीजिए, जैसे क्लोरेला है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल है, तो अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, ठीक है। तो और कुछ जैसे बहुत सारे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, क्लोरेला का नाम हमने ले लिया है, फिर हमने क्लेमाइडोमोनास का नाम ले लिया है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को ग्रोथ भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया का आप नाम लिख लीजिए, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है, तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, इन सभी में जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है। देखो मान लीजिए ये सब यूनिसेलुलर है, इनसे दो सेल बन गई, तो जब दो सेल बन गई तो एक से दो इंडिविजुअल बन गए, तो इसी को आप रिप्रोडक्शन भी कहेंगे और इसी को आप क्या कह सकते हैं, ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। पढ़े हैं कि ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होती है या तो इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास, तो इंक्रीज इन नंबर को भी ग्रोथ कहेंगे और इंक्रीज इन मास को भी ग्रोथ कहेंगे। तो यहां पर ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक से दो इंडिविजुअल भी बन रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के केस में। लेकिन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा, इंक्रीज इन सेल नंबर, अगर सेल की संख्या बढ़ेगी तो बॉडी की साइज बड़ी होगी, एक इंसान छोटे से बड़ा हो रहा है, सेल की संख्या इंक्रीज इन सेल नंबर से, तो उसको रिप्रोडक्शन थोड़ी ना बोलेंगे, जब तक वो अपने जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल नहीं प्रोड्यूस करेगा तब तक उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है उस इंडिविजुअल का संख्या बढ़ना नहीं, ग्रोथ का मतलब होता है उस इंडिविजुअल में सेल का नंबर बढ़ना। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अब उस इंडिविजुअल में दो सेल है, लेकिन इस इंडिविजुअल में अब तीन सेल हो जाते हैं, ठीक, तो इससे इसकी लंबाई बढ़ गई ना, यानी ग्रोथ हुआ, तो ये ग्रोथ हुआ, इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल से ऐसे ही दो इंडिविजुअल अलग अलग हो जाए बन करके, दो इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो जो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज है, लेकिन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सेम है। ये बात क्लियर हो गया। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, कन्वेंशनल प्रॉपर्टी है लिविंग की, डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना देखा जाए। तो ये बात तो सही है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता, रिप्रोडक्शन इज नॉट सीन इन नॉन लिविंग मैटर,
नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, नॉन लिविंग मैटर. तो रिप्रोडक्शन इज नॉट सीन इन नॉन लिविंग मैटर, बट रिप्रोडक्शन इज ओनली सीन इन लिविंग मैटर. लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखाएंगे जरूरी नहीं है. दुनिया में ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ तो दिखाते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते. मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म की बात आपको मिल जाएगी, वह तमाम एग्जांपल मिल जाएंगे. तो लिखोगे सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो इसका मतलब ये कैसे डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी ऐसे भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है. डिफाइनिंग फीचर का मतलब है कि डेफिनेशन हो गया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखाता है, तो ये गलत हो गया. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है. हाँ जनरल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते. कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते? जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्या होती है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, चाहे मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में प्रॉब्लम हो. तो इनफर्टाइल जो है ह्यूमन कपल, तो इनफर्टाइल ह्यूमन चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनफर्टाइल ह्यूमन जो होगा ठीक है उनमें वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते. इसके अलावा आपको और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते? हनी बी के कॉलोनी में एक वर्कर बी होती है, तो वर्कर बी जो वो अंडे बच्चे को अंडे नहीं देती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाती. तो वर्कर बी जो होते हैं मधुमक्खी में, जो तीन तरह की मधुमक्खी के कॉलोनी में तीन तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, एक क्वीन बी होता है, एक होती है एक वर्कर बी होती है, और एक ड्रोन्स होते हैं. ड्रोन्स मतलब मेल्स, मेल्स फर्टाइल होते हैं, क्वीन फर्टाइल होती हैं, लेकिन वर्कर भी जो है फर्टाइल नहीं होती, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं. और म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर, म्यूल जो होता है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता. तो म्यूल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, वर्कर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं दिखाती, इनफर्टाइल ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता. तो कैसे कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? डिफाइनिंग फीचर मतलब डिफाइन करता है, इसका मतलब हुआ डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो फीचर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए और नॉन लिविंग मैटर में ना देखा जाए. तो ये नॉन लिविंग मैटर में नहीं देखा जाता बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे. ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था. क्यों नहीं डिफाइनिंग फीचर था ग्रोथ? वो इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं था कि ग्रोथ जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है प्लस नॉन लिविंग मैटर में भी देखा जाता है, वो सीमित नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, वो नॉन लिविंग मैटर में भी देखा जाता है. तो ग्रोथ इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं था लिविंग का क्योंकि लिविंग के अलावा नॉन लिविंग मैटर में भी देखा जाता है. रिप्रोडक्शन क्यों नहीं डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि वो नॉन लिविंग में तो नहीं देखा जाता लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं देखा जाता, ज्यादातर में देखा जाता है. तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कन्वेंशनल डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो आएगा लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना तो ग्रोथ आएगा ना ही रिप्रोडक्शन आएगा. और यहां आपने देखा है कि जो मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें खासकर जो बडिंग दिखा रहे हैं ईस्ट और हाइड्रा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म से इनको कंसीडर किया जाता है. फंजाई को भी लोअर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, और उसमें भी मैमल्स सबसे ज्यादा ऊंचे पायदान पर है. अब हम तीसरा जो कन्वेंशनल डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेटाबोलिज्म, उसकी बात करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा कि नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो मेटाबॉलिज्म, अब देखिए किसी भी सेल में बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल्स पाए जाते हैं, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग क्लास के, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाले. तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स और बायोमॉलिक्यूल्स. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें सेल पाया जाता है, ये तो आपको पता है, और उस सेल में केमिकल्स पाए जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल के बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिकल कहां पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो केमिकल्स, और केमिकल्स को ही कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक, ये ध्यान रखना। और ये जो केमिकल्स या बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं। केमिकल्स में भी स्मॉल और बिग, ये स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, और इनके वेरियस, मतलब एक तरह से कहा गया तो साइजेस हो सकते हैं, वेरियस क्लासेस हो सकते हैं इनके, इनके वेरियस फंक्शंस हो सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई है, देखा ही है कि कितने तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हर बायोमॉलिक्यूल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो केमिकल्स जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, यानी इनके साइजेस वेरियस होते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और फंक्शन की बात करें तो आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट है तो एनर्जी देने का काम करते हैं, फैट भी एनर्जी देने का काम करते हैं, प्रोटीन जो है वो रिपेयर वुंड हीलिंग का काम करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ऐसे या पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि है क्या मेटाबॉलिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं, वो केमिकल छोटे या बड़े हो सकते हैं, कहने का मतलब है कि उनमें वैरायटी ऑफ साइजेस होती है, इसी तरह से वैरायटी ऑफ क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनकी वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड, और ये लगातार बनते रहते हैं और कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे बायोमॉलिक्यूल में। तो कुछ बायोमॉलिक्यूल से कुछ बायोमॉलिक्यूल बनते हैं, और वो बायोमॉलिक्यूल फिर दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली एक फिक्स रेट से, कॉन्स्टेंटली मतलब एक फिक्स रेट से, कितना किस ऑर्गेनिज्म में बनना चाहिए उस रेट से, उससे ज्यादा बनेगा तो भी खतरा है, कम बनेगा तो भी खतरा है उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए। Constantly being formed from other biomolecules. So constantly being formed from other biomolecules. ठीक है, and changed into some other biomolecules, and changed, constantly being changed into some other बायो मॉलिक्यूल्स या केमिकल। तो केमिकल जो कहा जा रहा है वही बायोमॉलिक्यूल के लिए कहा जा रहा है। तो बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली दूसरे बायोमॉलिक्यूल से बन रहे होते हैं और दूसरे बायोमॉलिक्यूल में बदल रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन होता है इसी को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड, दीज कन्वर्जन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। These conversions are called chemical reactions or metabolic reactions. तो इन्हीं conversions को chemical reaction या metabolic reaction कहा जाता है, ठीक है। ये NCERT book में जो लिखा है उसको मैं explain कर रहा हूं। तो आपने देखा कि सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये बायोमॉलिक्यूल एक कांस्टेंट रेट से किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल से बन रहे होते हैं और खुद किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं। एक तरह से केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं सेल के अंदर, उन्हीं को मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो सेल के अंदर चल रहा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल पाई जा रही है उसमें, ठीक है। और यहां पर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन लगातार चल रहे होते हैं। तो थाउजेंड of metabolic reactions occurring inside cell. तो cell के अंदर हजारों metabolic reactions चल रहे होते हैं, ठीक है।
और मतलब या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल कहिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहिए, बात एक ही है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के आप इमेजिन तो कर नहीं सकते, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच तो कुछ नहीं है ना, बिना सेल के तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सोच नहीं सकते, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है वो सेल के अंदर चल रहा है, या ऐसे कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और चाहे वो यूनिसेलुलर हो या प्लांट हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, मतलब उसमें प्लांट हो सकता, एनिमल हो सकता, फंजाई हो सकता और माइक्रोब हो सकते हैं, ठीक है, और इन्हीं सब ऑफ टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म या गोइंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके सम टोटल को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन भी हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म में ए से मान लो बी बना, बी किसमें चल गया सी में, तो एक केमिकल रिएक्शन ए से बी का बनना हो गया और दूसरा केमिकल रिएक्शन बी से सी का बनना हो गया, ऐसे हजारों रिएक्शन सेल में चल रहे होते हैं और उन सबके सम टोटल को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इनसाइड सेल गोइंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, इसी को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म में सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल जिस भी तरीके से बन रहे हैं और जितने भी बायोमोलिक्यूल जिस भी तरीके से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, लगातार बनना और बनने को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, टूटने को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो ये दोनों का सम टोटल को ही बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा आपको मेटाबॉलिज्म उसमें दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी, तो मेटाबॉलिज्म इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेटाबॉलिज्म इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आप सोच नहीं सकते जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना चल रहे हो, ठीक। और जो नॉन लिविंग मैटर होता है वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता, नॉन लिविंग मैटर डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म, non-living matter do not show metabolism। तो non-living matter जो है वो metabolism नहीं दिखाता, non-living matter do not show metabolism, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जिसमें मेटाबॉलिज्म ना देखा गया हो, और दूसरा नॉन लिविंग मैटर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म दिखाता हो, तो एक तरह से ये डिफाइन कर दे रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और मेटाबॉलिज्म जब भी देखा जाता है वो सेल के अंदर देखा जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो उस लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाएगा, या मेटाबॉलिज्म को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, आप यहां लिख लेंगे, सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, या तो आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कहिए कि बॉडी में सेल का पाया जाना, अगर किसी बॉडी में सेल पाया जा रहा मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का पाया जाना दोनों का मतलब एक है, ठीक है, इस Defining property of living organism. तो ये defining property है, तो ये conventionally distinctive property भी हो गई और defining property भी हो गई। Growth conventionally distinctive property है लेकिन defining property नहीं है living organism का।
रिप्रोडक्शन कन्वेंशनली डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म कन्वेंशनली डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी भी है और साथ में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे और कोई नॉन लिविंग मैटर मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज याद रखेंगे, कई बार हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे होते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ये एक एनसीईआरटी बुक में सवाल पूछा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें ए प्लस बी से सी बना सकते हैं, जो कि सेल में भी बनता है ए प्लस बी से सी। तो वो चीज किसका एग्जाम्पल होगा, तो वो एक तरह से वो ना तो नॉन लिविंग, वो तो ना तो नॉन लिविंग है और ना ही लिविंग है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर चल रहा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब हम एक सेल्फ्री सिस्टम यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें दो बायोमॉलिक्यूल डालते हैं, उनके बीच में रिएक्शन करा करके एक तीसरा बायोमॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम सेल्फ्री सिस्टम में भी कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में भी कर सकते हैं, सेल से बाहर भी कर सकते हैं, तो उसको क्या मानेंगे, लिविंग की नॉन लिविंग, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि इसको हम ना तो लिविंग या तो नॉन लिविंग दोनों ही नहीं कहेंगे। तो एक सेल्फ्री सिस्टम में यदि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, यानी एक टेस्ट ट्यूब में हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तो लिविंग है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है, तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से या तो लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में पूछा जाए कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब सहित जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है उसको क्या कहेंगे, लिविंग की नॉन लिविंग, तो बोलोगे इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये चीज आप भी लिख लीजिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड outside body in cell free system। तो metabolic reaction जो है वो body के बाहर भी demonstrate किया जा सकता है cell free system में, ये ध्यान रखेंगे, cell free system में किया सकता है। ठीक है, तो जैसे in test tube, तो अगर एक test tube में कराया जा रहा है is considered, जब टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा इज कंसीडर्ड नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मतलब इसको न तो हम लिविंग कंसीडर करेंगे और न ही नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे, नॉर नॉन लिविंग। तो अगर हम सेल्फ्री सिस्टम में यानी एक टेस्ट ट्यूब में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, तो उसको ना तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं और न ही नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कंसीडर करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो लिविंग पार्ट है और जो टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है, तो दोनों को मिला करके हम लिविंग नॉन लिविंग स्पष्टता नहीं बोल सकते। तो यही चीज एनसीईआरटी बुक ने लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आप कह सकते हैं कि इनविट्रो जो हो रहा है, इनविट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब ग्लास में हो रहा है, इनविट्रो मतलब होता है जब कोई भी रिएक्शन आप बॉडी के बाहर कराते हैं ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में, तो उसको इनविट्रो कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग ऑन आउटसाइड बॉडी इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो थिंग जो है, जो चीज है वो नॉन लिविंग है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन वो क्या है, लिविंग है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इन विट्रो इज श्योरली नॉन लिविंग थिंग बट लिविंग रिएक्शन। रिएक्शन लिविंग है, लेकिन जो सिस्टम है वो नॉन लिविंग है, सेल के बाहर। तो इसीलिए कहा गया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है या मेटाबॉलिज्म है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब हम लोग जो पांचवा जो कन्वेंशनल डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, उसकी बात करेंगे।
देखिए एनसीईआरटी बुक लिखता है कि इन्वायरमेंट को सेंस करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना, ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड देन रिस्पॉन्ड टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली, टेक्निकली मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज, जितने भी कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं उसमें मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन सा कैरेक्टर होता है, इज द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग्स उसी को एनवायरमेंट कहा जाता है, एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू, एंड रिस्पॉन्ड टू सच एनवायरमेंटल स्टिमुलस, मेंटल स्टिमुलस। मतलब ये हुआ इसका मतलब कि आपके चारों ओर जो भी कुछ है वो सब एनवायरमेंट है। अब मान लीजिए आपको एक कुत्ता काटने के लिए दौड़ा रहा है तो वो स्टिमुलस हुआ, एनवायरमेंट ने आपको एक स्टिमुलस दिया, तो आप क्या करेंगे, कुत्ता काटने के लिए दौड़ा रहा है तो आप रिस्पॉन्स करेंगे ना, या तो डंडा लेके उसको दौड़ाएंगे या खुद ही भागने लगेंगे। तो आप रिस्पॉन्स किए, एनवायरमेंट को आपने सेंस किया और फिर आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रॉपर जो आपको लगेगा। ऐसे ही सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये करता है। तो एनवायरमेंट में जिस चीज को सेंस किया जाता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट की जिस चीज को आप सेंस करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस करता है उसको स्टिमुलस कहते हैं, और उस स्टिमुलस के खिलाफ वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो भी कुछ है वो सब एनवायरमेंट है, तो उसको स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस के बदले वो क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, समझ में। तो स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर सेंस ऑर्गन नहीं होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो स्टिमुलस को कैसे सेंस करेगा, टू सेंस स्टिमुलस या रिसीव स्टिमुलस। तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गन का पाया जाना बहुत जरूरी है। अब अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हम लोगों में आंखें होती हैं देखने के लिए, लाइट स्टिमुलस लेता है, हम लोगों में कान होते हैं हियरिंग सुनने के लिए, साउंड स्टिमुलस लेता है, जीभ होता है, जीभ पर कोई चीज रखेंगे तो केमिकल स्टिमुलस लेता है, समझ में। तो ये जो स्टिमुलस हो सकता है ये स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया आपको मारने के लिए तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया। तो याद रखेंगे कि जो स्टिमुलस हो सकता है वो स्टिमुलस जो होगा वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। तो स्टिमुलस जो हो सकते हैं मे बी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब जैसे लाइट है, साउंड है, केमिकल मतलब कोई केमिकल का कॉन्टैक्ट आपसे हुआ, दवाई है, भोजन है, जैसे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आप पर कोई प्रभाव डाल रहा है। तो यानी कि स्टिमुलस को सेंस करना और स्टिमुलस को सेंस करने के बाद रिस्पॉन्स करना, ये जो फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये बहुत ही ऑब्वियस मतलब आसानी से दिख जाने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है,
और दूसरा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी होती है, इसमें बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और दोनों को मिला लेंगे तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट की बात अगर हम करते हैं तो प्लांट किन किन चीजों को सेंस करता है? प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर को सेंस करता है, ठीक है, सेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं प्लांट के लिए, जो बहुत कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें लाइट है, वाटर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ये प्लांट इनको आसानी से सेंस कर सकता है, ठीक है। अब प्लांट के पास कुत्ता आके भूकेगा तो प्लांट उसको नहीं सेंस कर पाएगा। हर ऑर्गेनिज्म के सेंस करने की एबिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कई बार सेंस ऑर्गन विजिबल भी होते हैं, कई बार सेंस ऑर्गन विजिबल नहीं होते हैं। अब ऑर्गन की जहां तक बात है, इंसान में आंख पाया जाता, कान पाया जाता, जीभ पाया जाता, प्लांट में तो आंख, कान, नाक, जीभ तो होता नहीं है। नाक से भी केमिकल स्मेल किया जाता है, तो केमिकल का सेंस हम नाक से करते हैं, टंग से करते हैं, साउंड का सेंस हम कान से करते हैं, लाइट का सेंस हम आंख से करते हैं। तो प्लांट में तो इस तरह के सेंस ऑर्गन नहीं है, प्लांट में दूसरे तरह का सेंस स्ट्रक्चर होगा। उसमें तो सेंस रिसीव करने की जो मैकेनिज्म होगी वो एनिमल के सेंस करने की मैकेनिज्म से सर्वथा मतलब भिन्न होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लांट सेंस करते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, ठीक है, और उनके जो सेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो एनिमल के सेंस स्ट्रक्चर से डिफरेंट होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल ये लाइट, वाटर, टेम्परेचर ही होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको भी सेंस करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म को सेंस करते हैं। और पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल में तो पॉल्यूटेंट्स, केमिकल आते हैं, पॉल्यूटेंट्स लिख सकते हैं, प्लांट के ऊपर देखते हो पॉल्यूटेंट का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आ गए कि प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर्स को सेंस करते हैं। तो कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी प्रभाव पड़ता है प्लांट के ऊपर, पॉल्यूटेंट्स का भी असर पड़ता है प्लांट के ऊपर। आप देखे होंगे कि फोटो पीरियडिज्म ड्यूरे मतलब फोटो पीरियड का असर भी पड़ता है। फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने देर तक लाइट प्लांट एनिमल को मिल रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इफेक्ट, इसका असर पड़ता है सीजनल ब्रीडर पर, एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर पर, जो पर्टिकुलर सीजन में बच्चे पैदा करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। तो फोटो पीरियड का असर जो होता है वो सीजनल ब्रीडर पर पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे कि और प्लांट्स पर पड़ता है, आपको मालूम है अगर प्लांट को देर तक लाइट मिलेगी तो देर तक फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कम लाइट मिलेगी तो कम फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड कम बनाएगा, तो रिस्पॉन्स जो है देख रहे हो अलग अलग आ रहा है। और एनिमल में ब्रीडिंग होती है, प्लांट में भी फ्लावरिंग होती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीजनल ब्रीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आपको मेंशन करना है। तो सीजनल ब्रीडर, क्योंकि प्लांट भी देखो हर समय, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमेशा फ्लावरिंग नहीं करते, पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि उस सीजन में उनको उस हिसाब से लाइट मिलती है। कुछ प्लांट को कम लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, कुछ प्लांट को ज्यादा लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। तो ये इसलिए जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है वो लाइट पर डिपेंडेंट होती है, फोटो पीरियड पर डिपेंड करती है। आप आगे चल के पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, कुछ प्लांट के ऊपर लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता ड्यूरेशन का। तो शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए कम लाइट ड्यूरेशन चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए ज्यादा लाइट ड्यूरेशन चाहिए, डे न्यूट्रल प्लांट को फ्लावरिंग, डे न्यूट्रल प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है वो लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, कम ड्यूरेशन हो ज्यादा ड्यूरेशन हो वो फ्लावरिंग अपने हिसाब से करेंगे। तो प्लांट जो है वो सेंस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गन, पॉल्यूटेंट। फोटो पीरियडिज्म का जिक्र किया एनसीईआरटी बुक में, फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये अफेक्ट करता है किस, सीजनल ब्रीडर्स, और सीजनल ब्रीडर्स एनिमल भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। अब से ह्यूमन है, ह्यूमन के ऊपर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं जब यह एनिमल लिखता हूं तो पर्टिकुलर एनिमल की बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ खास एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर लाइट का असर पड़ता है ब्रीडिंग पर, वो सीजनल ब्रीडर है, हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ब्रीडिंग हम लोगों में कभी भी हो सकती है, लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है
ये जब यहाँ एनिमल लिखते हैं तो पर्टिकुलर एनिमल की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनिज्म केमिकल रिसीव करते हैं तो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी केमिकल जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है तो उसको उसी अकॉर्डिंग हैंडल करता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है तो और रिसीव करने के बाद वो उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है, इसका मतलब है कि उसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता है। अगर इन्वायरमेंट के बारे में पता नहीं है, इन्वायरमेंट के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती तो रिस्पॉन्स क्यों देता, ठीक है। तो इसका मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग और इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियस है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर, यहां पर आप लिख लेंगे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। मैं फिर से लिखता हूं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपने सराउंडिंग के बारे में पता है, ठीक है। That is show consciousness. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है, कॉन्शियस का मतलब ही है जागरूक, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता है, वो जागरूक है इन्वायरमेंट के बारे में। नहीं तो इन्वायरमेंट बदले ना चेंज हो, मान लो इन्वायरमेंट एक्स हो गया, इन्वायरमेंट वाई हो गया, फिर भी वो प्लांट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब उसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रेन के रेलगाड़ी रेल पर खड़े हैं और एक ट्रेन आ रही है तो आप को भागना चाहिए वहां से। आप अगर आपको कुछ लग ही नहीं रहा कि ट्रेन आ रही है, मतलब आप अनवेयर हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी न किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति अवेयर होते हैं और उसके वजह से रिस्पॉन्स करते हैं। और अवेयरनेस जो है बहुत बड़ा फीचर होता है, ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई नॉन लिविंग मैटर थोड़ी ना अवेयर होता है अपने एनवायरनमेंट के बारे में। तो नॉन लिविंग मैटर के पास कोई सेंस ऑर्गन या सेंस स्ट्रक्चर नहीं होता जिसे एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव कर सके। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही सेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव कर सके, यानी वो अवेयर है, उसको पता चल जाता है एनवायरमेंट पर हुए किसी भी चेंज का। तो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस इज द या कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है, यानी उसको अपने एनवायरनमेंट का पता होता है, अपने सराउंडिंग्स का पता होता है, उसको अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होता है। लेकिन ह्यूमन जो होता है वो सराउंडिंग के बारे में भी अवेयर होता है और अपने बारे में भी अवेयर होता है कि वो एनवायरनमेंट में कैसा दिख रहा होगा, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यानी ह्यूमन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज सेल्फ कॉन्शियस, यानी ह्यूमन ओनली, क्योंकि उसके पास बहुत डेवलप्ड दिमाग है, इससे ज्यादा बड़ा सेंस ऑर्गन मतलब दिमाग जो है वो किसी के पास नहीं। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज सेल्फ कॉन्शियस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो ह्यूमन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज सेल्फ कॉन्शियस। तो यहां पर आपको ये बहुत ही क्लियरली ये चीज को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो ह्यूमन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज सेल्फ कॉन्शियस, इसका क्या मतलब हुआ?
कि उसको इन्वायरमेंट में अपने पोजीशन, अपने कंडीशन का एहसास होता है। जैसे कुत्ता है, वो देख रहा हो कपड़े पहन के नहीं घूमता है, वो नंगा ही घूम रहा है, उसको कपड़ा पहनना है नहीं पहनना, या वो नाली में भी सो जाएगा, लेकिन इंसान तो नाली में नहीं सोएगा ना। ह्यूमन सिविलाइज्ड इसीलिए क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस है, एनिमल नॉन सिविलाइज्ड होते हैं क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, सिर्फ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है। लेकिन कॉन्शियसनेस तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचना, अपने अपनी कंडीशंस को कंपेयर करना दूसरे से, और अपने अपने मतलब स्थिति को इन्वायरमेंट में इमेजिन करना कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो कैसे हम रहेंगे, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को मारना नहीं है, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होना है। ठीक है, आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं कपड़े पहन के जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं, घर वाले कपड़े अलग होते हैं, बाहर जाने वाले कपड़े अलग होते हैं, क्यों? बिकॉज यू आर सेल्फ कॉन्शियस। वरना आप सोए हो ऐसे ही चल दीजिए बाहर होकर के घूमने, तो यानी आपको कॉन्शियसनेस तो अलग चीज़ होगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ, अगला बच्चा ज़्यादा नंबर पा रहा है, आप कम नंबर पा रहे हैं, आप ज़्यादा मेहनत करने लगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस के नाते, कि हमको उससे ज़्यादा नंबर पाना है। कंपैरिजन आ गया, आपको इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, दूसरों से अच्छा दिखना है, बेहतर करना है, एक आइडियल अपना इमेज पेश करना है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से आता है। बाकी एनिमल को इसकी चिंता ही नहीं होती अपना इमेज का, कोई क्या कहेगा, कोई भी एनिमल सोच लो, कोई भी प्लांट देख लो, वो जी ही ले रहा है, इन्वायरमेंट को सेंस कर ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई है आपके ब्रेन की वजह से आई है। तो ह्यूमन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग।